नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई के भांडुप अग्निकांड को लेकर अब नई तस्वीर सामने आई है। मॉल के अंदर बने अस्थायी कोरोना हॉस्पिटल में दरअसल आग लगी थी। इस अग्निकांड में अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया, वहां का जायजा लिया और साथ ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव नई तस्वीर आप देख रहे हैं अग्निकांड से जुड़ी हुई, जिस मॉल में यह भीषण आग लगी है, क्योंकि तीसरे फ्लोर पर यह कोविड अस्पताल बताया जा रहा है, जिसमें 70 कोविड पेशेंट भर्ती थे, लेकिन इनमें 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। बाकी मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन इस अग्निकांड को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और देखिए, सवाल यह भी कि आखिर मॉल के अंदर हॉस्पिटल कैसे चल रहा था, क्योंकि यह मॉल है ड्रीम मॉल और इसमें सनराइज अस्पताल चल रहा था। तो सवाल यह खड़ा होता है कि इस मॉल के अंदर हॉस्पिटल चलाने की परमिशन किसने दी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यहां पर गए हैं, जायजा लिया है, दौरा किया और कहा है कि जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब और इसकी परमिशन दी किसने, इतना वक्त हो गया क्योंकि कोविड अस्पताल यह था, तो ऐसे में इतना टाइम हो चुका है, अभी तक इसको शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, इतने लंबे समय से चल कैसे रहा था। और फिर सवाल यह भी कि जो जो एहतियात बरतने चाहिए थे, क्या यहां पर उन सारे जो नियम है उनको फॉलो किया जा रहा था, उनका पालन किया जा रहा था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर मुंबई में मौत का अस्पताल ये क्यों और कैसे बना, क्योंकि यहाँ के खुद के मेयर का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि इस अस्पताल में ये हॉस्पिटल भी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई। भांडुप में अस्पताल में आग लगने से 10 लोगों की मौत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जायजा लिया है, पीड़ित परिजनों से माफी मांगता हूं, ये कह रहा है कि नीचे की दुकान में आग लगने से अस्पताल में ये आग लगी। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी मामले से जुड़ी हुई है पूरी खबर, किस तरीके से उद्धव ठाकरे यहां पर गए हैं और ये कहा है कि जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है अच्छा काम किया है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके, उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ही मामला गंभीर होता है, और इसलिए जिन लोगों का मृत्यु हुआ मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है, फिर से मैं उनके परिवार की माफ़ी मांगता हूँ। तो परिवार से माफी मांगते हुए मुख्यमंत्री कपिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है, क्योंकि हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ के मेयर का भी कहना है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि अस्पताल के अंदर मॉल के अंदर अस्पताल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ जो मॉल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मॉल है इसी मॉल में कल रात को भयान एक बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसमें 10 पेशेंट्स जो है वो मारे गए थे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मॉल था फिर भी यहाँ पे कोरोना सेंटर या कोरोना हॉस्पिटल कैसे था, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज है कि अगर यहाँ पे हॉस्पिटल था तो वहाँ के जो फायर ऑडिट हुआ था क्या, सबसे बड़ी बात है कि जो मुंबई महानगर पालिका है उसने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था कि जो फायर ऑडिट होता है हर हॉस्पिटल का वो होना जरूरी था। सबसे बड़ा ये कोरोना हॉस्पिटल था और कोरोना हॉस्पिटल होते हुए भी यहाँ पे फायर ऑडिट नहीं हुआ, फायर के जो इंतजाम थे वो नहीं हुए थे, जिसके चलते ये बहुत बड़ी आग लगी और जिसमें 10 पेशेंट जो है वो मारे गए थे, और जब से करीबन 68 जो पेशेंट है उनको यहाँ से बाहर सुरक्षित निकाला गया है। शायद आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्षी नेता है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और वो लोग जो अल्मोनियम सीट्स थे वो पूरी तरह से गल चुके हैं, यानी आग की विभीषिका साफ साफ दिख रही है। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो एसी हैं वो मॉल के इंटरनल कॉरिडोर में रखे गए हैं, उन इंटरनल कॉरिडोरों से होने वाला खतरा आप साफ साफ दिख रही हैं कि जैसे ही हेमंत नगराले बाइट दे रहे थे उस वक्त भी एसी में आग लगी, उसका कंप्रेसर जलकर खाक हुआ, और उस वक्त आग की लपटें जो साफ साफ दिख रही हैं वो किस तरीके से हैं। हालांकि यहाँ जो सिक्योरिटी हैं उनसे जरूर हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से मना किया, लेकिन आग की
जो अभी तक जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ भी देख लीजिए कि जिस तरीके से एसी जो बाहर रखा हुआ है वो कितना ख़तरनाक है। और यही है कि अगर कहीं कोई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उस हॉस्पिटल में आखिर दिक्कतें क्या होती हैं वो साफ साफ दिख रहा है। जो एल्युमिनियम सीट्स हैं वो किस तरीके से गल कर गले हुए हैं वो साफ दिख रहा है। यानी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज़ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर किन किन गड़बड़ियों के जरिए ये मॉल में अनुमति दी गई थी, जिस इस अनुमति देने वाले लोगों में लोकल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, यहाँ के जो गार्जियन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा जो होम जो अगर देखा जाए हेल्थ मिनिस्टर भी दावेदारी आती है। तो देखिए जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ड्रीम मॉल और ड्रीम मॉल के थर्ड फ्लोर सनराइज हॉस्पिटल इस पे चल रहा है। और किस तरीके से यहां पर, क्योंकि बहुत बड़ा अग्निकांड हो गया है, 10 लोगों की जान चली गई है, सवाल तमाम उठ रहे हैं, किसने परमिशन दी। मेयर कह रहे हैं कि मुझे तो खुद नहीं पता था कि यहां पर मॉल के अंदर हॉस्पिटल चल रहा है। क्या जो नियमों का पालन किया जाना था वो यहां पर हो रहा था? सवाल ये कि परमिशन दी किसने, इजाजत दी किसने, और अगर परमिशन दी गई है तो क्या अब उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी? सीएम उद्धव ठाकरे को आपने सुना, वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने यहां पर दौरा किया और कहा कि जो भी दोषी है एक तरफ से माफी मांगी, दूसरी तरफ ये कहा कि जो दोषी उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी सख्त से सख्त। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, क्योंकि मुंबई में मौत का हॉस्पिटल ये बन चुका है। और देखिए 10 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है, दम घुटने से मौत हुई है। इसके अलावा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि काफी मरीज इस अस्पताल में थे, 70 के करीब इनकी संख्या थी, उनको अब बाकी जो दूसरे हॉस्पिटल हैं, अस्पताल है, वहां पर शिफ्ट किया गया है। जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार सियासी संग्राम यहां पर छिड़ चुका है। कपिल क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल ये बताइए, मेयर कह रही है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये हॉस्पिटल कब से इसमें शुरू हुआ, और क्या जो नियम पालन जिनका यहाँ पर पालना करनी चाहिए थी, अब कार्यवाही इस पर की जाएगी, कौन वो दोषी है, अभी तक कुछ सामने आया है? बिल्कुल कपिल आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अस्पताल अग्निकांड पर दुख जताया है। अस्पताल में मरीजों की मौत से मैं दुखी हूं, ये पीएम मोदी ने कहा कि घायलों को जल्द ठीक होने की उनकी कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जताते हुए अस्पताल अग्निकांड पर दुख जताया है, जिसमें 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। और इसी अग्निकांड को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों आखिर तमाम सेफ्टी मेजर्स को ताक पर रखते हुए इस अस्पताल को इस मॉल में बनाने की इजाजत दी गई। कपिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, हालांकि अब जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि सेफ्टी ऑडिट के आदेश जनवरी में भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे, जब हमने देखा था कि भंडारा में शिशु अस्पताल में अग्निकांड हुआ था, जिसमें 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद वही लापरवाही।